हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 3, एडवांस फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट एंड द टॉपिक इज इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम अपनी पीपीटी में स्लाइड के अंदर ऑडियो और वीडियो फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। First topic, here is inserting audio and video file. In PowerPoint, you can easily insert your sound recordings, movie clips, etc. Adding different types of media to a PowerPoint presentation make it more attractive and presentable. PowerPoint allow you to add videos from internet as well as videos stored on your computer. It also allows you to insert audio from your computer as well as your own voice. Inserted media files can help you to keep your audience engaged in your presentation. PowerPoint में आप audio, video को बड़ी आसानी से insert कर सकते हैं। Different type की media PowerPoint को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाती है। PowerPoint में वीडियोस को इंटरनेट से भी ऐड किया जा सकता है और अपने कंप्यूटर से भी इसको ऐड किया जा सकता है। PowerPoint में ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इंसर्टेड मीडिया फाइल्स कैन हेल्प यू टू कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड इन योर प्रेजेंटेशन। तो जब हम अपनी पीपीटी के अंदर ऑडियो और वीडियो को ऐड कर देते हैं तो जो ऑडियंस है वो पीपीटी में कहीं ज़्यादा एंगेज रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ कैन वी इंसर्ट एन ऑडियो फाइल। स्टेप वन इज क्लिक ऑन ऑडियो कमांड अंडर द मीडिया ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा। यहाँ पर हमें ऑडियो कमांड मिलेगी मीडिया ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप टू, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेस टू ऑप्शंस। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसा कि आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑडियो ऑन माय पीसी एंड सेकंड इज रिकॉर्ड ऑडियो। सो फर्स्ट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं दैट इज ऑडियो ऑन माई पी सी, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन ओपन्स एन इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ योर ऑडियो फाइल, सेलेक्ट द ऑडियो फाइल, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। इसके बाद हम अपने सिस्टम से ऑडियो की लोकेशंस को सर्च करते हैं और उसके बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स ओपन हो गए हैं और यहाँ से हम अपनी ऑडियो को जहाँ पर भी सेव किया है वहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑडियो हमारी इंसर्ट हो जाएगी पीपीटी में। जो भी स्पेसिफिक स्लाइड में हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिकॉर्ड ऑडियो। तो जैसा कि हमने देखा था दूसरा ऑप्शन जो हमें मिला था वह था रिकॉर्ड ऑडियो। सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन ओपन्स द रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड ऑडियो का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। टाइप ए नेम फॉर योर ऑडियो। यहाँ पर हम अपनी ऑडियो का नेम टाइप कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर वॉइस, क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन एंड स्पीक। अगर हमें रिकॉर्ड करनी है यहाँ पर साउंड वॉइस तो हम रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं और बोलना शुरू करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग क्लिक ऑन स्टॉप बटन टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। और जब हमें स्टॉप करनी होती है रिकॉर्डिंग तो
हम स्टॉप बटन पर क्लिक कर देते हैं। टू लिसन टू योर रिकॉर्डिंग क्लिक ऑन प्ले बटन। प्ले बटन पर क्लिक करके हम अपनी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर ऑडियो क्लिक ऑन ओके बटन। दिस विल इंसर्ट द रिकॉर्डेड साउंड फाइल इन द स्लाइड। अगर हम सेटिस्फाइड हैं अपनी रिकॉर्डिंग से, हम ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, से हमारी ऑडियो इंसर्ट हो जाती है पीपीटी के अंदर। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड अगेन बाय क्लिकिंग ऑन रिकॉर्ड बटन। अगर हम हैप्पी नहीं हैं, तो सेटिस्फाइड नहीं है रिकॉर्डिंग से, तो हम दोबारा से रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन ऑडियो आइकन स्पीकर अपीयर्स इन योर स्लाइड इंडिकेटिंग दैट योर ऑडियो इज इंसर्टेड। तो जब भी ऑडियो इंसर्ट हो जाती है, तो वहाँ पर एक ऑडियो का आइकन हमारे सामने, स्पीकर का आइकन हमारे सामने आ जाता है। यू कैन ड्रैग द ऑडियो आइकन एनीवेयर ऑन द स्लाइड। इस आइकन को कहीं पर भी ड्रैग करके ले जाया जा सकता है। क्लिकिंग ऑन प्ले पॉज बटन विल प्ले और पॉज द ऑडियो। यहाँ पर आप को देख सकते हैं प्ले और पॉज का एक ऑप्शन है। प्ले और पॉज के ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को प्ले और पॉज किया जा सकता है। ये यहाँ पर आइकन है जो आप देख पा रहे हैं, स्पीकर का आइकन बना हुआ है, यह ऑडियो को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट, द प्ले बटन इज राइट पॉइंटिंग ट्राइंगल, द पॉज बटन इज वर्टिकल इक्वल टू मार्क। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल ट्राइंगल बना हुआ है, यह प्ले का बटन है और पॉज करने के लिए वर्टिकल इक्वल टू का मार्क बना हुआ होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो फाइल प्लेड सो फार इज इंडिकेटेड बाय द टाइमलाइन। तो जितनी भी वीडियो प्ले हो जाती है, वो टाइमलाइन पर डिस्प्ले होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ स्टेप फोर, When you click the audio icon, two contextual tab formats and playback appears on the ribbon under audio tab tools tab. जब भी हम यहाँ पर audio icon पर क्लिक करते हैं, तो हमें दो contextual format यहाँ पर tabs दिखाई पड़ते हैं, format और playback के लिए। Next, inserting an video, a video file. एक video file को किस तरह से पीपीटी में इंसर्ट किया जा सकता है। तो स्टेप वन, फिर से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने ऑडियो को इंसर्ट करने के लिए किया था। सबसे पहले क्लिक ऑन वीडियो कमांड अंडर द मीडिया ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब। वीडियो कमांड पर हम क्लिक करते हैं मीडिया ग्रुप में इंसर्ट टैब पर। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेस टू ऑप्शंस। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने आता है, जिसमें कि हमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो ऑप्शन हैं यहाँ पर, ऑनलाइन वीडियो एंड वीडियो ऑन माय पीसी। क्लिक ऑन वीडियो कमांड अंडर द मीडिया ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्लेस टू ऑप्शंस। द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो। इट सेलेक्ट्स and insert a video file from the internet. First option, online video, हमें internet से video add करने के लिए available कराता है। Some websites such as YouTube allows us to insert a video in our slides. तो YouTube से हम videos को अपनी PPT में insert कर सकते हैं। The video will not be inserted in the slide. Only the URL of the web page of the video and a thumbnail is inserted. तो यहाँ पर एक्चुअल में वीडियो इंसर्ट नहीं होती है, यहाँ पर केवल वीडियो का जो URL होता है वही इंसर्ट होता है, और बाकी यहाँ पर वीडियो की तरह से एक इसका थंबनेल दिखाई पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी वीडियो सर्च करके इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो का URL जिस तरह से यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, वो वीडियो का URL इस तरह से यहाँ पे वीडियो हमारी इंसर्ट हो जाती है।
इस तरह से ये थंबनेल है यहाँ पर वीडियो का जो भी इंसर्ट हुआ है, और जितने भी सारे कंट्रोल्स हैं वीडियो के वो यहीं पर अवेलेबल हो जाते हैं। सो द वीडियो विल प्ले डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। तो जब भी हम वीडियो को प्ले करना चाहेंगे वो एक्चुअल में ऑनलाइन वेबसाइट पर ही प्ले होती है। ऑल द वीडियो कंट्रोल्स सच एज प्ले, पॉज, वॉल्यूम एट्सेट्रा आर ऑल्सो ऑन द वेबसाइट। तो हमें जैसा दिखाई पड़ता है सारे कंट्रोल्स PPT में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सारे कंट्रोल्स वेबसाइट पर ही होते हैं। बट व्हेन यू प्ले द वीडियो यू मस्ट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑनलाइन वीडियोस को प्ले करने के लिए PPT में हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इंटरनेट के हम इन वीडियोस को प्ले नहीं कर सकते हैं। द URL फॉर द वीडियो इज पेस्टेड इन द ऑनलाइन वीडियो डायलॉग बॉक्स, द थंबनेल अपीयर्स इन द स्लाइड। URL वीडियो का डायलॉग बॉक्स में पेस्ट हो जाता है और जो थंबनेल है वो हमारे सामने स्लाइड पर डिस्प्ले हो जाता है। द वीडियो प्लेइंग इन द स्लाइड शो नोटिस द नेम ऑफ द वेबसाइट एंड द कंट्रोल बटन्स। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आपको दिखाई पड़ेंगे और वीडियो जहाँ पर भी है उसका URL भी हमें यहाँ पर वेबसाइट का नेम के साथ में दिखाई पड़ेगा। वीडियो नेक्स्ट ऑप्शन इज वीडियो ऑन माय PC। सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन ओपन्स द इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स। ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ योर वीडियो फाइल, सेलेक्ट द वीडियो फाइल, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। दूसरा ऑप्शन, अगर हमारे PC में सिस्टम में वीडियो है तो हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी PPT के अंदर। यहाँ पर हम ऑप्शन चूज करेंगे, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन, एक इंसर्ट वीडियो का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद जैसे ही हम ब्राउज टू द लोकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमें वीडियोज़ के ऑप्शंस जो हमारे फोल्डर्स हैं वो दिखाई पड़ जाते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनल जो फोल्डर्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो वीडियो हमारी इंसर्ट हो जाती है PPT के अंदर, स्लाइड के अंदर, और इस वीडियो को हम डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। स्टेप टू, द वीडियो विल बी एडिट टू द स्लाइड। क्लिकिंग ऑन प्ले एंड पॉज बटन विल प्ले और पॉज द वीडियो फाइल। व्हेन द वीडियो प्लेज, द टाइमलाइन इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो प्लेड सो फार। तो जब भी हम वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पर टाइमलाइन में आपको वीडियो की ड्यूरेशन दिखाई पड़ती रहती है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। हम इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करके ऑडियो और वीडियो को अपनी PPT में इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी PPT को ऑडियंस के लिए और ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं।